हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जब मार्केट में जाते हो और इस तरीके की लड़ियाँ देखते हो लटके हुए। ये देखो, आप यहाँ हमने ये बना के रखा हुआ है। पूरा सेटअप आपको समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, जो इस तरीके की आप लड़ी देखते हो मार्केट में और फिर सोचते हो कि ये कैसे मार्केट में आके बिक रहा होगा, कैसे बन रहा होगा। क्योंकि हर आदमी खरीदार नहीं होता, कुछ आदमी उसको बेचने के लिए भी आता है कि मैं कैसे बेच सकता हूँ, कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके की अलग अलग बहुत सारी लड़ियाँ आपने देखी होंगी जो मार्केट में आप लोग को दिखाई देता होगा जब भी आप परचून की दुकान पर जाते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखो यहाँ पर रोल रखे हुए हैं, यहाँ सारा वो चीज़ आपको दिखेगा आज जो इस प्लांट के अंदर यूज़ होता है। आप देखो, ये नूडल्स है, ये वही नूडल्स है जो यहाँ पर फ्राई होकर रखा हुआ है। पीछे देखो, आप देखो यहाँ पे फ्राई होके रखा हुआ है, जो कि आप घर में फ्राई कर सकते हो। अभी हमने भी फ्राई किया था, क्योंकि अब पूरा सेटअप मैं आप लोगों को बार बार दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये है छोटा सिंघम, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कितने तरीके की चीज़ें हैं मार्केट में। ये देखो आप, ये देखो, ये है नूडल्स और ये नूडल्स एक ही रैपर है। इसके अंदर जो मसाले हम डालते हैं, ये है वो मसाले। अब क्या होता है, अब जब आप इसके ऊपर ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर नोट भी छपा हुआ है, खिलौने भी छपे हुए हैं, बहुत सारे चीज़ें प्रिंट हुए हुए हैं। तो ये क्यों प्रिंट हुए हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर आप ये चीज़ें भर सकते हो और वो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। देखो आप, ये मार्केट में मिल जाते हैं, स्टिकर्स हैं, ये बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये है क्या, स्टिकर्स हैं। अब आप पता है, आप छोटे बच्चे क्या चाहिए, छोटे बच्चों को ये इस तरीके के स्टिकर्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए आप, मूछ है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास खिलौने हैं उस साइड में। देखो आप, ये देखो, निकाल निकाल के देखो, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कितने सारे खिलौने हैं। ये इतनी सी चीज़ें आपको चाहिए। अब इन सारे चीज़ों को मिला के आपको ऐसा लड़ी तैयार करना है, ठीक है। तो इस लड़ी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक फ्राई करने का सिस्टम, और फ्राई करने से भी पहले हमें चाहिए होता है जिसको हम फ्राई करेंगे, वो मटेरियल। तो वो मटेरियल ये है, देखो आप, ये नूडल्स इस तरीके से आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से, हम दिलाएंगे अगर आप खुद नहीं अरेंज कर पाओगे तो। मसाले भी हम आपको दिला देंगे, इसको इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर लिया हमने, अब इसको उठा के इसके अंदर डालेंगे। डालो भाई, हांडे के अंदर डालो। तो ये इस तरीके से हांडे में डाल देंगे और फिर क्या करेंगे, जो हमारे पास ये स्पाइसेस हैं, ठीक है, इन स्पाइसेस को इसके अंदर मिक्स करेंगे। अभी आप कलर देखो कैसा है, वाइट हो रहा है ना बिल्कुल। अब मसाला मिलाएंगे, ऑन करो भाई हांडे। अभी देखो आप, अभी इसके अंदर हम मसाला मिलाएंगे, बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा और साथ में स्वाद भी बदल जाएगा। तो अभी देखिए आप लोग किस तरीके से हमारा इसमें स्पाइसेस मिक्स हो चुका है, जो मार्केट में आप लोग खाते हो ना, सेम वही नूडल्स तैयार हो गया है। अब इसे हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पे इसकी विंडो होती है, इसको हम ऐसे ओपन करेंगे और सारा माल इसके अंदर भर लेंगे। तो ये देखा आपने, 2 मिनट भी नहीं लगे और हमारा सारा स्पाइसेस इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब क्या होता है, देखिए, एक फ्राई जब हम करते हैं तो उसके बाद आपको एक हाइड्रो मशीन की नीड होती है। इस मशीन के अंदर हमारा जो होता है ना, हम इसके अंदर से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेते हैं, ठीक है। ये मशीन है एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए, ये भी हम आपको देते हैं प्लांट के साथ, और ये फ्राई करने के लिए सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जुगाड़ नहीं होता तो ये फ्राई वाला जुगाड़ भी हम लोग देते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे फ्राई करके एक बार में सारा माल आपका बाहर हो जाएगा, ताकि माल बिल्कुल फ्रेश आपका फ्राई हो। अब लास्ट स्टेप जो है हमारा, वो है पैकेजिंग का। तो जो माल हमारा तैयार हुआ है, उसको हम डालेंगे इस हॉपर के अंदर। डालो भाई हॉपर के अंदर, ये देखो आप, इसमें हॉपर में फिल कर देंगे। अगेन एंड अगेन बहुत बार दिखा दिया हमने आप लोगों को, लेकिन इस वीडियो में हम आपको सब कुछ डिटेल में समझा रहे हैं कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। अब ये भर गया, अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसको ध्यान से देखो आप, और वो ये है कि आपको खिलौने सीधे ऐसे नहीं डालने। आप देख रहे हो, ये खिलौने ऐसे नहीं डालने, खिलौने ऐसे हल्के जो छोटे रैपर आते हैं ना, ये देखो आप, रैपर में, ऐसे रैपर में डालने के बाद ही डालने हैं, ताकि सीधा फूड के कॉन्टैक्ट में आपके ये जो हमारा प्लास्टिक है, पीपी है, ये आए ना। अब इसको आपको किसी लड़के को ऐसे दे देना है, ठीक है, और वो ऐसे खड़ा हो जाएगा मशीन के ऊपर, मशीन के साइड में, मतलब ऊपर नहीं, और फिर वहाँ से हम मशीन को ऑन करेंगे। अब देखो मशीन ऑन हो गया और ये हमारा जो फ्रेम्स है, ये देखो कैसे फिल हो रहा है। अब इसी के साथ एक एक खिलौना हम इस पर रखते जाएंगे कप के ऊपर। देखो आप,
कप के ऊपर एक एक खिलौना रखते जाएंगे। ये देखिए आप, तो अभी आप देखो सारी जो चीज़ें हमारे पास थी उनको मिला के हमने कैसे ये लड़ी बना ली है। ठीक है, एक फाड़ते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, इसके अंदर से इतना सारा फ्रेम्स निकला और साथ में एक खिलौना निकला। ठीक है, अब क्या करना है इसके आगे बताता हूँ मैं आपको। अब यहाँ तक आप पहुँच गए, अब आपको मार्केट में इसको सप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, हाथ में तो ले जाके आप दोगे नहीं, तो आपको इस तरीके से देखो गोल गोल बनाना है। अगर आपको 12 दर्जन देनी है, 14 दर्जन देनी है, तो ऐसे गोल गोल बनाना है, और अगर 6 दर्जन देनी है तो इस तरीके का बनाना है। और ऐसा पीपी आता है छोटे साइज़ का, बड़े साइज़ का, ऐसे भर लेना है और मार्केट में चले जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं ये प्लांट कितने का है। ये पूरे जनवरी हमने ये प्लांट सिर्फ 2 लाख रुपये में दिया था। अब वापस से ये प्लांट का रेट हमने जो पुराना रेट था वही रेट कर दिया है। एक हांडा मशीन मिलेगी आपको इस प्लांट के साथ, एक ये फ्राई करने का सिस्टम मिलेगा, चूल्हा और कढ़ाई। ठीक है, एक हाइड्रो मिलेगा आपको, एक पैकिंग मशीन मिलेगी और एक आपको ये कंप्रेसर मिलेगा। इतनी सी मशीन है, 15x15 के कमरे में स्टार्ट कर सकते हो आप लोग इस काम को। ये खिलौना, ये रोल, ये जो भी पार्टियाँ हमारे पास आते हैं डायरेक्ट एड्रेस देते हैं हम, ये भी खुद ही लेके आए हुए हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वो खुद ब खुद अपने आप लेके यहाँ पे आए हैं, हमें दे दिया उन्होंने। अब ये पूरी एक छोटी सी गाड़ी बनेगी और ये लखनऊ जाएगा। तो इस तरीके से जिनको भी स्टार्ट करना है, लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर लगाते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि बस ये प्लांट ले लोगे स्टार्ट हो जाएगी, मशीनें इतनी आसानी से चल रही हैं तो आप भी चला लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग, आधे रेट में मशीन बेच दोगे। इन प्लांट्स को चलाने के लिए पहले खुद जानकारी लेनी पड़ती है, कुछ सीखना पड़ता है, या अगर आप खुद से नहीं कर सकते ऑपरेटर रखिए, ऑपरेटर चलाएगा मशीन आपकी। कोई प्लांट स्टार्ट कर रहे हो ना, सस्ती मशीनें करके हमने आप लोगों के ऊपर थोड़ा सा कृपा करा है, लेकिन आप अपने ऊपर कृपा तब करेंगे जब आप किसी के थ्रू इस मशीनों को चलवाएंगे। आप वन मैन आर्मी नहीं बन सकते, अगर बन सकते हो तो जाके देश की सेवा करिए बॉर्डर पर। तो यहाँ पर आप लोग वन मैन आर्मी जो बनने की सोचने लग जाते हो कि हम ही मशीन चला लेंगे, हम ही बेच भी लेंगे, हम ही सब कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के थ्रू चलना होता है। और वो सिस्टम कैसे बनेगा, जब आप लोग अपने काम को जिम्मेदारी से सोचोगे कि हाँ ये भी एक काम है, कोई मजाक नहीं है, कि अब स्टार्ट किया कल बिक गया। तो लेने से पहले ये सोचिए कि इन काम को करने के लिए चाहिए पेशेंस 1 साल 2 साल का। अगर सब्र है आपके अंदर, है ठहराव कि हाँ ठहर के मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, तो ये काम करिए। वरना अपने घर में बैठे रहिए, प्लांट बेचने वाले 1000 पड़े आपको रोज़ बेचते हैं, वो सेकेंड हैंड में मशीनें बिक जाती है, वो काम नहीं है। कर सकते हैं अगर आप लोग तो आइए यहाँ पे, वरना कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग 2 लाख 5 लाख रुपए फंसा के अपना फिर उसके बाद कहते हो कि मशीन ख़राब है। मशीन ख़राब नहीं है, आप लोगों का दिमाग ख़राब है, क्योंकि इतनी आसानी से चलेगी नहीं मशीनें। मशीन चलाने के लिए पहले अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा। अगर आपको खुद से चलाना तो आइए यहाँ पे, 4-4 दिन की ट्रेनिंग देंगे आपको, 5 दिन की ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद भी नहीं चलेगा आप लोग तो अपने घर पर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।